किसान संघ ने मक्का खरीदी के संबंध में शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा भारतीय किसान संघ ने जिले में खरीफ फसल का मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए एवं गन्ना किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाए, साथ ही खाद बीज और दवा पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाए और किसानों को सिंचाई हेतु तेसर बिजली की कटौती समाप्त की जाए और अति लघु कृषक 1 हेक्टर वालों को निःशुल्क बिजली एवं खेती के कार्य हेतु मजदूर मनरेगा से दिलाए जाए, जुनारदाव विकास खंड के तेलीबीट मार्ग को पक्का किया जाए एवं छिंदी कामत में खाद गोदाम बनाया जाए, ऐसी ज्ञापन के जरिए मांग की। जिला छिंदवाड़ा ने आज मक्का के समर्थन मूल्य पर खरीदी करे सरकार, इसके लिए ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह रहेगा किसानों का कि मक्का उत्पादक जिला किसानों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। यदि वो खरीदी नहीं कर सकते तो कम से कम भावांतर में 1,000 क्विंटल की राशि मक्का उत्पादक किसान छिंदवाड़ा सिवनी में उनको लार्ज स्केल पर है, उनको कम से कम खरीदी का समर्थन मूल्य का जो पैसा तो मिलना चाहिए। सरकार बड़े बड़े वादे करती है लेकिन मक्का उत्पादक किसानों की तरफ तो कोई भी प्रभारी मंत्री तक यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। मैं आदरणीय कमल पटेल से भी आग्रह करूँगा कि आप प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं, ना कि हरदा होशंगाबाद के हैं। आप जहाँ के विधायक हैं वहाँ के लिए तो आप बहुत किसानों की बातें करते हैं मंचों से, एक बार छिंदवाड़ा के किसान की भी बात करिए। जब यहाँ पर मक्के की इतना बड़ा उत्पादन हुआ है, मैं उनसे आग्रह करूँ वो भी आकर के देंगे मक्का उत्पादक की परेशानी क्या है और उनको समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से किसान संघ करता है। भरत सिंह, प्रांत संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, महाकौशल प्रांत। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।